आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. आप में से कितने लोगों के लिए स्पेशल है? सबके लिए स्पेशल है. सर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो विश्वास नहीं कर पा रहे. करो विश्वास. अब छू के देखो. लड़का है, लड़की होती तो बता छू के देखो. आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आज से ठीक 4 साल पहले फरवरी 2012 में मैंने अपना पहला लाइफ चेंजिंग सेमिनार किया था. अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर जो भी मैंने आज तक जो भी कुछ किया है, बकवास करी है, बदतमीजी करी है, अच्छा किया है, बुरा किया है, व्हाटएवर, उसको एक लाइन में समअप करना हो तो वो क्या होगा? आसान है, ठीक है. और कुछ? एम्बेड, नेवर गिव अप. आपने लोगों को जीने का रीज़न दिया, उसके पहले क्या कर रहे थे? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? क्या मिल गया जो कुछ चाहिए था? मिल गया या मिल गई? मिल गया. कुछ लोग जो एज में थोड़े से बड़े हैं उनको मेरा जोक समझ नहीं आएगा. मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक परमिशन मांगना चाहूँगा कि अगर आज मैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स टच करूँ यहाँ पर, जैसे कि सेक्स, पॉर्न, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा आंटी जी, कोई प्रॉब्लम तो? कुछ पंटर लोग बड़े खुश हो गए, उनको लग रहा है कि अभी यहाँ पे लाइट ऑफ होगी और यहाँ पे एक वीडियो प्ले होगी. हाँ, वहां पीछे एक चीख रहा था, वो तो उस भाई का नेट पैक खत्म हो गया है. कई दिनों से नहीं देखी, भरे हुए हैं अंदर से, अभी देखने को मिलेगी. हा? आपको यहाँ पे पॉन दिखाऊंगा और मैं जेल जाऊंगा. वो ऐसे चीखते हो पॉन देखते हो. ओके जी, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला हम लोग, टेंशन मत करो. ये पारिवारिक शो है. आप अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने दादा दादी सबके साथ बैठ करके इसको देख सकते हैं. जी हाँ, मैंने अपने बहुत सेशंस में बोला है कि लाइफ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है. आप में से कितने लोगों ने एब्सोल्यूट फ्रीडम वाला सेशन देखा है? ओके, बहुत लोगों ने देखा है. उसमें मैंने बात करी है कि इस दुनिया में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कुछ करने की जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हम सब लोग उन्हीं चीज़ों के लिए भागते रहते हैं, उसी तरह से कुछ करते रहते हैं जिस तरह से बाकी सब कर रहे हैं. ऐसा होता है? यस और नो? बहुत कम लोग होते हैं जो उन पॉसिबिलिटीज़ को देख पाते हैं, और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो देख तो लेते हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते. कुछ होते हैं जो एक्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी स्मार्टली एक्ट नहीं करते, हार्ड वर्क करते चले जाते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं. तो आज इस सेशन में हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं कि जो पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी मैं बात करता हूं. सबको पैसा कमाना है, सबको अमीर बनना है. अमीर भी छोड़ो, पैसा तो सबको चाहिए ही ना. पैसा सबको चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ना, सबको चाहिए. लेकिन क्या है भाई, कौन है ये? क्या हो गया सुसु आई है? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? इसको नहीं चाहिए. आपको नहीं चाहिए? कौन से ग्रह से आए हो भाई आप? पी के? हाँ, इस ग्रह पे पैसा चलता है? अच्छा, रुपए चाहिए. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. कितने लोग सच में मानते हैं कि इंडिया में इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर कोई कुछ सच में करना चाहे, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं.
बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, सब लोग मानते हैं। आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं, अगर ये नहीं आए तो क्या होगा, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाओगे, एक्सक्यूजेस देते रहोगे मरते दम तक कि संदीप तुम्हारी ये सारी बातें ठीक है लेकिन तुम्हें पता नहीं हमारे घर की क्या हालत है। सच है, मैं कब झूठ कह रहा हूं, आती है ना ऐसी चीजें माइंड में, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और उस मजबूरी का भार उठा उठा करके हम मरते दम तक भागते रहेंगे, और फिर अपने बच्चों के साथ भी वही करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, अपने बच्चों को भी यही बोलेंगे, बेटा ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, देख मेरी क्या हालत हुई है, मैंने ये सब किया, किसके लिए किया, तेरे लिए किया। ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना अपने को, कि हमने ये सब किसके लिए किया, ये सब सैक्रिफाइसेस किसके लिए दिए, उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए कुछ करूंगा लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तू पैदा हो गया था। अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला, बड़ा ध्यान से अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लो। मैं आपको कहता हूं अब यहां पर स्टेज पर आओ और आपको इसको टच करना है, पर्दे को, क्या होगा, हो सकता है लेकिन सोच करके नहीं होगा, हमारी इमेजिनेशन की वजह से नहीं होगा, रियलिटी की वजह से होगा। आपको क्या करना होगा, यहां पे आसपास में देखना होगा कहीं कोई सीढ़ी नजर आ रही है, इस सीढ़ी से नहीं काम चलने वाला, इससे काम नहीं होगा, असली की सीढ़ी, या कोई ये लगाया फिर वो लगाया, स्टूल लगाया उसके ऊपर लगाया फिर जाकर के टच किया, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो रियलिटी कैसे बनी, आपके जोश से, आपके सोचने से कि मैं कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा, मेरे सेशंस देख करके चार्ज्ड अप हो गए, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, उससे रियलिटी को समझदारी से यूज करने से, रियलिटी की समझ होने से, आंख खोल करके अपने आसपास में इस वक्त देखो, इस ऑडिटोरियम में क्या क्या है, इस पूरी दुनिया में क्या क्या है, जो भी कुछ इंसान ने बनाया है, चश्मे से लेकर के ये कुर्सी से लेकर के ये स्टेज से लेकर के ये टीवी से लेकर के मोबाइल से लेकर के शर्ट से लेकर के ये सारी चीजें क्या है, ये सब रियलिटी है, बट क्या ये पहले रियलिटी थी, उस दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, क्या वो सब रियलिटी थी, नहीं थी। ये कुर्सी क्या रियलिटी थी जिसपे आप बैठे हो, नहीं थी। ये क्या थी, पॉसिबिलिटी, ध्यान से समझो, ये क्या थी, पॉसिबिलिटी। किसी ना किसी के दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। एक कुर्सी है जिसपे आप बैठे हुए हो और वो अच्छी नहीं है, वो बहुत हार्ड है, उस पर बैठने की वजह से दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप ये सोचो ही ना कि उसको बेटर किया जा सकता है, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और जिंदगी भर उसी कुर्सी से चिपके रहोगे। यानी कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को तो आप देखो लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में ना सोचो। तो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो निकलते हैं प्रॉब्लम्स को देख करके, समझ करके, रियलिटी को देख करके, उसके बेस पे जब हम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं तो वो पक्की होती है। मुझे हजारों लोग ऐसे मिले हैं जो अपने अजीब अजीब से बिजनेस प्लान्स लेकर के घूमते रहते हैं, आज हम इसकी भी डेप्थ में जाने वाले हैं, किस तरह से सोचा जाता है पॉसिबिलिटीज के बारे में। लोग ये समझते हैं जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि कुछ भी अजीब सी चीज सोच लो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, सब हवा में है, उनसे बैठ करके पूछता हूं ना कैसे करेगा, कोई जवाब नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मैं ये बिजनेस करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, इसका रियलिटी से क्या कनेक्शन है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तू और करेगा कैसे, तेरे पास रिसोर्सेस कहाँ हैं, कहाँ से आएंगे रिसोर्सेस, क्या होगा, कोई जवाब नहीं है। मतलब हुआ क्या, वो बंदा रियलिटी से डिसकनेक्ट हो गया, इमेजिनेशंस में खो गया। अब इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी सोचना शुरू कर दो, माइंड को एक बार सोचने का मौका देना है तो माइंड सोचता ही रहता है। सपोजिंगली एक ऐसी कुर्सी जिससे आप खुश नहीं हो, आप सोचना शुरू कर दो, आप कुछ भी सोच सकते हो कि मैं तो बादलों की कुर्सी बनाऊंगा, ऐसी कुर्सी होगी जो आसमान में होगी, लोग देखेंगे तो लगेगा बादल है लेकिन कुर्सी होगी, हवा में होगी, ग्रेविटेशन का मैं इस तरीके से फोर्सेस का इस्तेमाल करूंगा कि वो नीचे नहीं गिरेगी और मैं जा करके आसमान में उस कुर्सी पर बैठूंगा और लोग कहेंगे वाह क्या बात है, ये क्या है, मैं क्या ये कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हो सकता है बट कितने जन्म लगेंगे ये नहीं पता।
कितनी सदियां लगेंगी ये नहीं पता, अभी नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये कुर्सी है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, मैं इससे परेशान हूं. अब रोने से क्या होगा? ये कुर्सी बदलने वाली नहीं है, इसकी हालत बद से बदतर होने वाली है. समझ गए ना? अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में अगर बैठ करके आप रोते रहे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ती ही चली जाएंगी. और हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स सॉल्व होती चली जाएंगी. सिंपल करो ना चीज़ों को. एक कुर्सी है जिसको आपको बेटर बनाना है और आपने स्टडी किया कि मैं इसे कौन से मटेरियल लगा सकता हूँ जिससे कि ये बेटर हो जाए. अभी जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, मान लो उस पर 2 घंटे तक बैठने में पसीना आता है, आपने कहा कि मुझे ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिससे कि पसीना ना आए, तो आपने जा करके सर्च किया कि रियल में क्या कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है. आपको पता लगा वो मटेरियल एग्जिस्ट करता है, इस मटेरियल को हटाया, उस मटेरियल को लगाया, एक नई कुर्सी तैयार हो गई. वो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई. समझ पा रहे हो? फिर आपने एक कुर्सी बनाई ये सोच करके कि ये बेस्ट है, उस पर जा करके बैठे, एक सिचुएशन में जा करके बैठे लाइफ में, फिर आपने कुछ टाइम बाद देखा अरे नहीं यार ये तो बेस्ट नहीं है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, चलो इसको बेटर करते हैं. फिर एक और बनाई, ये भी परफेक्ट नहीं है, इसको और बेटर करते हैं, और बेटर और बेटर और बेटर. इस रास्ते पे चलने से क्या होगा? आपका ध्यान कहाँ है? प्रॉब्लम्स की तरफ है या सॉल्यूशंस की तरफ है? सॉल्यूशंस. और ये सॉल्यूशंस क्या है? मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस है या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है. आप प्रॉब्लम को समझ करके फिर सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो, आप रियलिटी को समझ करके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हो. अब यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, अब आप इमीडिएटली कुछ भी कर सकते हो, और यहां पर फेलियर होने के चांसेस नेक्स्ट टू निल है. देखो कैसे सोचते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. हमारी ये जो जनरेशन है, ये जो यूथ है, करोड़ों लोग हैं, उनको समझना होगा कि पॉसिबिलिटीज को देखते कैसे हैं. मैं एग्जांपल्स देता हूं कुछ, फिर आप लोग भी एग्जांपल्स दे सकते हो. आज की डेट में इंडिया के हर घर में, ऑलमोस्ट हर आदमी के हाथ में, औरत के भी मोबाइल फोन है या नहीं है? यस नो? ये रियलिटी है या ये कोई इमेजिनेशन है? रियलिटी है, इसको बारीकी से समझना. मैं जो भी बातें करता हूं वो बात करता हूं रियलिटी के बेस पे, इमेजिनेशन के बेस पे नहीं. इस रियलिटी से कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं कैसे सोचा जाता है. करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल कई बार खराब भी होते होंगे, यस और नो? कई बार वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे, तब तो आप कंपनी से ठीक करा लेते होंगे. यस, जब मैं पूछूं यस और नो तब, हाँ, तो जब वारंटी पीरियड में खराब होते होंगे तो आप क्या करते होगे? कंपनी से ठीक कराते होगे. जब वारंटी खत्म हो जाती है मोबाइल की, तब आप क्या करते हो? मैं बताता हूं क्या करते हो. आप दोनों जगह से पता करते हो, कंपनी में भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है, फिर बाहर से भी पता करते हो कितने में ठीक हो रहा है. यस नो? रियलिटी के बेस पे बात करेंगे, बिल्कुल डे टू डे लाइफ. दैट इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच. अमीर बनना है? किसको बनना है? शोर मचाओ. ठीक है, कैसे बनोगे? बड़ा सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है. सीक्रेट बता रहा हूं आपको, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो. लोग क्या करते हैं, चीजों को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और उसमें जाकर के फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं. चीजों को सिंपल कर दो. अभी तक मैंने जो भी बातें करी उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है? कोई बड़ी बड़ी बातें हैं? यस और नो? कुछ नहीं, सिंपल डे टू डे लाइफ. उसको ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है हमारे आसपास में. वहां से आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने लग जाएंगी जो और लोगों को नहीं आए, क्योंकि उनका दिमाग बंद है, वो उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे बाकी सब भाग रहे हैं. तो आपको नजर आएगी, तो आप इस पूरी रेस से 1 सेकंड में बाहर आ जाओगे. देख रहे हो कमाल की चीज. एक तरफ है एक रेस कॉम्पिटिशन जहां पे लाखों लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, पागलों की तरह लगे हुए हैं, होश ही नहीं है. आपने क्या किया? आंख खोल करके इस दुनिया को देखा, आपको ऐसी सी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा. आपका कोई इतना आसान है,
इतना सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, हर महीने करोड़ों मोबाइल्स ठीक किए जा रहे हैं, कुछ कंपनी में रिपेयर हो रहे हैं, कुछ बाहर रिपेयर हो रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या इसकी डिमांड कभी कम होने वाली है? यस और नो? बढ़ेगी बढ़ेगी। मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स है, 5-6 महीने का, अगर वो आप करते हो और जा करके अपनी एक ऐसी शॉप खोलते हो जहां पर आप लोएस्ट प्राइस गारंटी देते हो, तो क्या लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, अगर ईमानदारी से करो तो। चलो अपने आप को भी छोड़ो, इसको दूसरे एंगल से देखो। आपका मोबाइल खराब होता है, आप 2-3 जगह जरूर जाओगे पता करने के लिए कि कौन सबसे कम पैसे बता रहा है। कंपनी में भी पता करोगे और भी 2-3 लोगों से पता करोगे। कोई आदमी आपके साथ बेईमानी करता है, यानी कि आपको मिसगाइड करता है। उसमें है छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलता है नहीं इसमें यह है, यह है, यह है, और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, ये छोटा सा पार्ट है, मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल सा अमाउंट चाहिए, 200 रुपये भी बहुत है। वो आपसे लेता है और पार्ट के 20 रुपये लेता है और आपको बताता है कि देखो ये 20 रुपये का पार्ट है, मैंने डाल दिया। आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? देखो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। घर में आप किसी का भी मोबाइल खराब होगा तो आप उस बंदे के पास जाओगे। इसको बोलते हैं सच की ताकत, जो मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था ना। बेईमानी की ताकत से बहुत बड़ी है सच की ताकत, अगर लोगों को समझ आ जाए तो। क्योंकि आप सच सुनना चाहते हो तो जो आपके पास लोग आने वाले हैं वो भी सच सुनना चाहते हैं। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? आपको बेईमान आदमी पसंद नहीं है, तो अगर आप खुद बेईमान बन गए तो आपको कोई कैसे पसंद करेगा? है कि नहीं? देख रहे हो, इस तरह से अगर आप एक मोबाइल की शॉप खोलते हो और वहां पर रिपेयर करते हो शुरू में, इसको भी ध्यान से समझ लेना क्या होता है। लोग एक ईगो ट्रिप में फंसे रहते हैं। ये जो हमारी ईगो है ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम हमसे करवाती है। ईगो क्या कहेगी? अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं मोबाइल रिपेयर करूंगा। अबे क्या है तू? क्या है तू? डिग्री ले ली है बैचलर्स की, मास्टर्स की, और अनएम्प्लॉयड धक्के खा रहा है इधर उधर, क्या है तू? ये अपने आप से सच बोलना है, मैं नहीं बोल रहा आपको, आपने अपने आप को बोलना है शीशे में देख करके। अरे क्या है तू? क्या हो गया? कोई काम छोटा बड़ा होता है क्या? क्या मोबाइल रिपेयर? लेकिन विजन क्या रखनी है? देखो काम बढ़ता कैसे है, इसको समझते चले जाना। आपने शुरुआत किससे करी? खुद मोबाइल रिपेयर करने से। वो आपने कैसे सीखा? एक छोटा सा कोर्स करके, सिर्फ 6 महीने का, और ईमानदारी से काम किया, सच को पकड़ करके रखा, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं अपने इतने पैसे लूंगा जो भी आप फिक्स करोगे, टाइम के हिसाब से कि इस काम में कितना टाइम लगने वाला है। कुछ ऐसा किया जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, छोटे से स्केल पे। क्या किया? अपनी दुकान पे लिख करके लगा दिया, दिस इज दी ओनली शॉप इन इंडिया जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, आपके सामने आपका मोबाइल ठीक होगा, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं। 15 मिनट लगे 200 रुपये देने हैं, आधा घंटा लगा 400 रुपये देने हैं, 1 घंटा लगा 800 रुपये देने हैं, और आपके सामने स्पेयर पार्ट्स डलेंगे। स्पेयर पार्ट कितने का है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें मेरा कोई मार्जिन नहीं है। है ना मजेदार? ये स्पेयर पार्ट, यही अगर आप जा करके उस दुकान वाले से डलवाओगे, इस स्पेयर पार्ट के नाम पे वो आपसे 2000 रुपये लेगा। मुझे इसकी कॉस्ट आती है 500 रुपये, मैं आपसे लूंगा 500 रुपये। स्पेयर पार्ट को डालने में मुझे लगेगा आधा घंटा, मैं लूंगा 400 रुपये, और मैं लेकर के आ रहा हूं उस मार्केट से। आपको जाना है तो जाकर के पता कर लो, मैं बता दूंगा कहां से लेता हूं अपने स्पेयर पार्ट। आ गई ना ईमानदारी की हद? ऐसी कोई दुकान आपको मिल जाए अपने एरिया में, क्या होगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? जब आपको मजा आएगा मेरे भाई, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आएगा? दूर दूर से लोग आएंगे आपके पास में, और दिन में कितना कमा सकते हो कोई लिमिट है क्या? मान लो 400 रुपये भी आपने एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कमाया, दिन में ज्यादा नहीं कहता, एक दिन में 10 कस्टमर भी आपके पास में आए, एक दिन का कितना कमाया? 4000 रुपये। महीने का कितना कमाया? 1,20,000 रुपये। उसमें से 20-30 हजार के खर्चे अलग कर दो, कितना कमाया? 1,00,000 रुपये।
80,000 रुपये, 90,000 रुपये और खर्चे हटा दो, लाइट वाइट ये वो अटरम शटरम जितना भी और ऊपर का आपका खर्चा, 70-80 हज़ार रुपये कम होता है क्या? किया क्या इसके लिए? समझदारी, स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। आप एक लेवल पे पहुंच गए जहां पर जाकर के आप 50,000 से 1,00,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, 2,00,000 पे जाना है तो कैसे जाओगे? आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना। लोग यहां पे जाके स्टक हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं बिजी हो गया हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इमीडिएटली अपने साथ में टीम बनानी है और लोगों की जिनको जॉब की जरूरत है। धीरे धीरे आपकी टीम बनने लग जाएगी लोगों की। आपके साथ में शुरू में सिर्फ एक आदमी जुड़ेगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। आज एक शॉप है, कल दूसरी शॉप खुलेगी, फिर तीसरी शॉप खुलेगी, चौथी शॉप, पांचवी शॉप। और जब इन सबको आप मिला दोगे और यहां से जब पैसा आ रहा होगा तो आपकी खुद की फट जाएगी, हो क्या रहा है। इसको बिजनेस बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट्स। और इस काम से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, कोई लिमिट है? आप रिपेयर में एक्सपर्ट हो गए, खुद मोबाइल रिपेयर करने में एक्सपर्ट हो गए, मतलब शुरू में आपने टीम नहीं बनाई, नहीं तो वो लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। मैंने किससे शुरुआत करी अपने करियर की? कैमरे से, खुद ले ले करके घूमा कई सालों तक, तो आज कोई फोटोग्राफर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स आए इस फील्ड में जिनके पास में बहुत बड़ी फंडिंग थी। मेरी शुरुआत कहां से हुई? 12,000 रुपये के कैमरे से। वो आए हमसे कॉम्पीट करने के लिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में, उनका नाम नहीं लूंगा, सब फेल हो गए, बंद हो गई उनकी कंपनीज। क्यों? क्योंकि जो आदमी टॉप पे बैठा था उसको बॉटम के काम के बारे में ABCD भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं फोटोग्राफी होती क्या है। उन कंपनीज का CEO है लेकिन उसको ABCD भी नहीं पता कि ये काम होता कैसे है। आज मेरे साथ में क्या है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हमारी कंपनी में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने खुद अपने हाथ से ना किया हो। ऐसी सोच बना, जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगर अंदर से आपको मेरी बातें समझ आ पा रही हैं तो, समझ नहीं आ रही है करो जो करना है, कौन रोक रहा है, वैसे भी करोगे। देखो मैं बता देता हूं, ये भी आपको एक नुस्खा बता देता हूं कि किसके लिए रास्ता है और किसके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं, अपनी इंडियन लैंग्वेज में, आप में से कितने लोग हैं जो बहुत जुगाड़ू हैं, जो कुछ भी जुगाड़ करके काम को कर देते हैं बस किसी तरीके से? हाँ, तो आप सबके लिए रास्ता है। स्मार्ट वर्क तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाड़। आपको समझ आना चाहिए कि मैं कैसे करूं। बिजनेस में हर पॉइंट पे जाकर के आप फंसोगे तो आपको पता होना चाहिए मैं निकल जाऊंगा यहां से, यहां पे जाके फंसा फिर निकल गया, फिर यहां पे फंसा फिर निकल गया। जो लोग ऐसे चलने वाले हैं सीधा 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 एक लाइन में, उनके लिए नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है या कुछ भी है, मैं बस ये बता रहा हूं ये सेशन हो किसके लिए रहा है। हर सेशन हर एक के लिए नहीं हो सकता ना, ये मेडिटेशन सेशन तो है नहीं, तो ये किसके लिए है? ये जुगाड़ू लोगों के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा दिमाग होना चाहिए जो बंद ना हो, जो हर डायरेक्शन में सोच सके, जो आकर के मुझसे ये सवाल ना पूछे कि सर आपने अपने इस सेशन में ये बोला है, आपने इस सेशन में ये बोला है, तो ये सही है या ये सही है? क्या है? अरे मेरे बाप, दोनों सही है और दोनों ही गलत है। तू समझ तू कहां पर खड़ा हुआ है, तू किस सिचुएशन में है, उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगा, तेरा किससे कनेक्शन बन रहा है, कैसे बन रहा है, और आगे बढ़ जा वहां से फटाफट से। ये तरीका है, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग फंडे हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। एक ऑप्शन था मोबाइल रिपेयर, और आप क्या कर सकते हो? लोग आपके पास अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए आ रहे हैं, बट जेन्युइनली आप उनको बोलते हो कि जो मोबाइल है इसमें ठीक कराने में टाइम बहुत लगेगा, पैसा बहुत लगेगा, कोई बेईमानी नहीं, सच बोला आपने, इससे अच्छा है आप ये नया मोबाइल ले लो, पुराना बेच दो।
तो आप क्या कर सकते हो यहां पर एक काम, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना और बेचना। इसमें कितना कमा सकते हो कोई हद है मेरे भाई? एक 40,000 रुपए का फोन है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसको प्रॉब्लम कहूं या डिजायर कहूं कुछ भी कहूं, आदमी नौकरी कर रहा है 20,000 रुपए महीने की, उसके हाथ में फोन है 40,000 रुपए का, कमाल का फंडा है। एक मोबाइल फोन जो मार्केट में है 40,000 रुपए का, बिकता कितने का है? 10-12,000 रुपए का। आपने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा किसी से और उसको 1,000 रुपए लगाया, नया किया, वो मोबाइल जो मार्केट में 40,000 रुपए का है और 15,000 रुपए का बेच दिया। 20,000 कौन है लालची? चलो 20 का बेच दिया। इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल है? सॉरी, 15,000 के साथ अगर वो खुद मैकेनिक है तो एक साल की और वारंटी अकेले कस्टमर को दे सकते। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्यों मैंने बोला लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम, क्योंकि दिमाग चलना शुरू हो गया। सोच को खोलना है, सोच जो बंधी हुई है ना एक जगह पे अटकी हुई है, और इसको खोलने से होगा क्या, इंडिया की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आपकी लाइफ बदलने में नहीं, इंडिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्या आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, वो कैसे होगी? कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मान लो आने वाले टाइम में आपने 100 लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, तो अब आप एम्प्लॉयमेंट मांग नहीं रहे हो, जॉब मांग नहीं रहे हो, आप जॉब क्रिएट कर रहे हो। ऐसे भी तो लोग होने चाहिए ना जो जॉब्स क्रिएट करने के बारे में सोचे, दिमाग लगाएं कि मैं जॉब्स क्रिएट कैसे कर सकता हूं, अपने आप को इतना स्ट्रांग कैसे बना सकता हूं। तो ये मेरा मिशन है कि आप ही में से निकल करके कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ जाएं, तेजी से सक्सेसफुल हो पाएं, कुछ ऐसा कर पाए कि वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें बल्कि इस कंट्री की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाएं। ऊपर से आपकी फाउंडेशन क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक्चुअल में, ऑनेस्टी, एक्सीलेंस, शेयरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयरिंग, फिर मैं अकेला नहीं होगा, मेरे जैसे लाखों लोग होंगे इंडिया में अलग अलग फील्ड में, और सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और फिर इस सक्सेस को किसी भी तरह से लोगों के साथ में शेयर करना है, किसी भी तरह से लोगों को भी सक्सेसफुल बनने का मौका देना है। ऐसे एम्प्लॉयर्स होंगे जो जेन्युइनली अपने एम्प्लॉयज के बारे में केयर करेंगे, ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमानी लोगों की नस नस में दौड़ रही है, ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आप एक डॉक्टर बने इस रास्ते पे चल करके और अपनी एक टीम बनाई डॉक्टर्स की, तो आपकी एक ही पॉलिसी होगी कि मुझे सच बोलना है, अगर इस बंदे को ऑपरेशन की जरूरत है तो है, नहीं है तो नहीं है। सोचो ये दुनिया कैसी होगी। आज इतना बुरा हाल क्यों है? मेडिकल इंडस्ट्री में बुरा हाल है या नहीं है? पीछे एक रिपोर्ट आई थी, एक मरे हुए आदमी को 5 दिन तक रखा हॉस्पिटल में, क्यों? ताकि उससे 5 लाख रुपए ले सके, एक ऐसे आदमी से जिसकी फैमिली 10,000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकती, खून चूस लिया उनका। ये कौन आदमी कर रहा है? वो जिसके पास में करोड़ों रुपए है, उसको ऐसे आदमी से मिल भी जाए 5 लाख रुपए, उसका क्या बदलने वाला है लाइफ में? तो ऐसी दुनिया में रह करके होगा क्या? अगर ऐसी दुनिया में आप आए और रह करके निकल भी लिए, तो आपने क्या उखाड़ा? क्या आप में और जानवरों में फर्क है? कुछ नहीं। सोचो, दिमाग लगाओ कि मैं क्या कर सकता हूं। सर, ये जो फील्ड आपने बात करी है, तो एक फील्ड की बात हुई मोबाइल गेम की वजह से, तो हमें कोई अलग अलग फील्ड, जैसे यहाँ पर सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, तो सर उसमें कैसे आगे जुगाड़ू बनना पड़ेगा ना, जुगाड़ू। अरे मेरे भाई, जैसे इस फील्ड में आगे बढ़े बढ़े ना, वैसे उसमें बढ़ जाओ। और एक और एग्जाम्पल ले लो, इंडिया में कितने बच्चे हैं छोटे छोटे,
बहुत है, उन बच्चों को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, नहीं चाहिए? यस और नो? यस। इससे आसान कोई काम हो सकता है? खिलौनों की दुकान खोल दो, बन जाओ जुगाड़ू अगर बन सकते हो तो। देखो अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर टच करते हैं। देखो अभी आप करोड़पति बने कहां से? मोबाइल रिपेयर के काम से, है ना। अब आप अरबपति बनने वाले हो खिलौनों की दुकान से। मैं सिर्फ सुतली दे करके छोड़ दूंगा, हाँ, अब बाकी काम आपको करना है। मैं चिंगारी दे रहा हूं, बम आपके अंदर से फटना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि हाँ। देखो खिलौने बच्चों को पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए, आने वाले हजारों साल बाद भी चाहिएंगे। खिलौनों की इंडस्ट्री अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसमें लाखों लोग खप सकते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपने क्या किया? आपने कहा कि मुझे खिलौनों की दुकान खोलनी है। अब कहाँ खोलोगे? हलवाई के बगल में? कहाँ खोलोगे? बनो जुगाड़ू, लगाओ दिमाग। नहीं, स्कूल के पास क्या होगा, बच्चे अकेले जाकर के खरीदेंगे? कब खरीदते हैं खिलौने? एक मिनट, कितने लोग यहाँ पर मैरिड हैं? मैरिड है जिनके बच्चे हो? बच्चे सबसे ज्यादा जिद कब करते हैं? एक मॉल में। और दूसरा बताता हूँ, और देखो देखो इसको कहते हैं, सुनना सुनना सुनना, अभी बात करते करते एक बड़ा मजेदार आइडिया आया है। आप कहोगे कितना खुराफाती दिमाग है इस बंदे का। देखो यही सोच चाहिए, यही सोच चाहिए, और ये अभी सेकेंड्स में हो रहा है। सोचो इस काम के ऊपर आप एक महीना लगा दो और फिर इस काम को शुरू करो, तो कैसा होगा ये काम, कितना कमाल का होगा, देख पा रहे हो? देखो कहाँ खोलनी चाहिए आपको दुकान? बच्चे बीमार हैं और माँ लेकर के जा रही है बच्चों को एक डॉक्टर के पास में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जहाँ पर लाइन लगी हुई है कि आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है, मतलब एक एक घंटे बाद नंबर आ रहा है। तो एक घंटे तक बच्चा बीमार है, माँ उदास है, माँ चाहती है कुछ देर के लिए बच्चा अपने दर्द को भूल जाए, बच्चा खुश हो जाए। बच्चा खुश होता है खिलौनों से, खिलौनों की दुकान है जस्ट उसके सामने, सोचो क्या होगा। और आप क्या कर सकते हो? देखो आपने क्या कहा, मैं जितने भी बच्चे आएंगे यहां पर उनको फ्री में, अब ऐसा काम कोई नहीं कर रहा पूरे इंडिया में, इसको बोलते हैं जुगाड़ू सोच। देखो फ्री में बिना पैसे लिए बलून्स दूंगा। आपकी कॉस्ट कितनी है एक बलून की? 5 रुपए। मान लो 2 रुपए की है, उसमें गैस भर गई, ये हो गया वो हो गया, सब मिला के 5 रुपए की पड़ गई आपको। बहुत हाईफाई बलून नहीं, वो स्पाइडरमैन वाला बलून नहीं, सिंपल सा बलून जिसके ऊपर आपकी जो टॉय शॉप है उसका लोगो है। और अगर एक बच्चे को फ्री में बलून मिल गया तो अगर आप बच्चे हो या थोड़ी देर के लिए बच्चे बन के सोच सको मेरी इस बात को, तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा कि बच्चों को फ्री की चीजें कितनी अच्छी लगती है। माँ बाप को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अब आपने क्या किया, 5-5 रुपए के 100 बलून फ्री में बांट दिए। आपका कितना लगा? 500 रुपए। उसमें से मान लो सिर्फ 20 लोगों ने आपसे टॉयज खरीदे और हर टॉय में आपको 200 रुपए का मार्जिन मिला, कितना कमाया आपने? 4000 रुपए। लगाया कितना था? 500 रुपए। लगाया 500 रुपए, कमाया कितना? 4000 रुपए। कुछ भी गलत किया आपने किसी के साथ में? यस और नो? नो। ईमानदारी से, तरीके से, एक दिन में अगर आपने 20 टॉयज भी इस तरीके से बेचे फ्री के गुब्बारे बांट करके, तो आपने एक दिन में 4000 रुपए कमा लिए। महीने का कितना हुआ? फिर 1,20,000 रुपए पहुंच गए। कितना टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस में? बहुत टाइम लगेगा। मान लो 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे, तब भी बुरा है क्या? अब इसमें आगे दिमाग लगाओ, इस काम को आगे बढ़ाने की कोई लिमिट है? यस और नो? नो। आप अपनी टॉय शॉप को कितना बड़ा कर सकते हो? शुरू में आपने रेंट पे छोटी सी दुकान ली, और लोग करते भी हैं, आंख खोल करके देखो अपने आसपास में एरिया में लोग कैसे ग्रो करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? एक दुकान खोलते हैं जो छोटी सी होती है। आई एम 100% श्योर आपको भी ऐसी बहुत सारी दुकानों के बारे में पता होगा
फिर उसके साथ वाली भी ले ली, फिर वो भी ले ली, वो भी ले ली, वो भी बड़ी इसी दुकान हो गई। ऐसी दुकान चलता है? टॉय शॉप चल पड़ी, उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा कर लो, उसके बाद में कितनी भी टॉय शॉप्स खोलो, क्या टॉयज को आप सिर्फ ऑफलाइन ही बेच सकते हो? ऑनलाइन नहीं बेच सकते? एक बार आपकी दुकान आ गई तो कहीं भी बेचो। ऑनलाइन कितने टॉयज बिक सकते हैं, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। अब ये कैसे बिकते हैं, देखो एक बात और ध्यान से समझो। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को समझ आती है। आपने क्या किया, एक टॉय शॉप खोली और अपनी पसंद के टॉयज ला करके वहाँ पे भर दिए, क्या होगा? बंद हो जाएगी बड़ी जल्दी, गारंटीड बंद होगी। अभी बैठ करके रोगे कि यार ये संदीप ने आइडिया दिया टॉय शॉप का, फेल हो गया। समझो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। टॉय शॉप आपने खोली, उससे पहले आपने क्या किया, रिसर्च किया, रियालिटी के बेस पे, इमेजिनेशन के बेस पे नहीं। क्या है रियालिटी? आपकी दुकान तब चलेगी जब आपकी दुकान में वो टॉयज हो जो उन बच्चों को पसंद हैं जो उस एरिया में रहते हैं जिस एरिया में आपकी दुकान है। समझ आ रही है बात? हर एरिया के हिसाब से बच्चों की जो पसंद है वो भी अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स। 80-20 का एक रूल है, जो गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको 80% जो रेवेन्यूज आते हैं किसी भी बिजनेस में, 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी बिजनेस में, वो होता है 20% प्रोडक्ट से। मतलब आप 100 टॉयज अपनी दुकान में रखोगे, उसमें से 20 ऐसे होंगे जो बार बार बिकेंगे, 80 ऐसे होंगे जो कम बिकेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे उसमें से 80 में से जो बिकेंगे ही नहीं। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि शुरू में मेरे पास में कोई बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लिमिटेड कैपेसिटी है। मान लो अगर दुकान का रेंट देने की आपकी कैपेसिटी है 10,000 रुपये, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दुकान तो मिलेगी नहीं, छोटी है। तो बजाय 80% ऐसे खिलौने रखने के जो बिकते ही नहीं हैं, जो मेरी पसंद के हैं, उससे अच्छा ये है कि 20% ऐसे खिलौने रखे जाएं जो बच्चों की पसंद के हैं, जो बिकते हैं। इससे क्या हुआ, आपने एक बहुत बड़ा जंप मार दिया। अब आपके पास सारे वो खिलौने हैं जो उन बच्चों को चाहिए जो आपकी दुकान में आ रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी खुफियाबंती भी कर सकते हो, यानी कि वो जो दुकानें आपके आसपास में है, जिस एरिया में भी आप खोलने वाले हो, वहां पर जा करके टॉय शॉप के पास में बैठ जाओ और नजर रखो कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो क्या खरीद के आ रहे हैं, किस तरह के खिलौने खरीद के आ रहे हैं। आइडिया तो लग ही जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि अरे तेरे की, ये 4 तरह के खिलौने हैं जो बिके ही जा रहे हैं, भर दो अपनी दुकान को उन 4 खिलौनों से, आ गए मजे, क्या जरूरत है एक बड़ी दुकान खोलने की। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। समझना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। ये कब समझ सकते हो, जब आप रियलिटी से जुड़ते चले जाओगे, उस रियलिटी से पॉसिबिलिटीज निकालोगे, ना कि पॉसिबिलिटीज में उलझे रहोगे, ये होगा वो होगा वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। रियलिटी को समझो, एज इट इज देखो, चीजों को सिंपल कर दो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड करी यहां पर या सिंपल करी है? सिंपल किया है, बिजनेस को सिंपल किया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। कोई भी कर सकता है अगर उसको ये बेसिक सी बातें समझ आ जाए तो। 10 मिनट के अंदर अंदर इतने सारे आइडियाज आ गए। सोचो अगर आप इसको आराम से बैठ करके सोचो, इसके ऊपर काम करो, अपने दोस्तों के साथ भी बैठो जो थोड़े से जुगाड़ू हैं, उनके साथ बैठो और बोलो चल यार बैठते हैं, मजे करते हैं, आइडियाज दे, और मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या कर, वहां से आइडियाज आएंगे, अभी क्या कर सकता हूँ। इसमें हमेशा याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी क्या कर सकता हूँ, 10 साल बाद नहीं। लोग वहां फंस जाते हैं, जब तेरा ये हो जाएगा तब वो हो जाएगा तब हो जाएगा। अभी क्या है, अभी इमीडिएटली मेरे हाथ में कितना पैसा है, मान लो 5,00,000 रुपए है, तो उसको यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? और अगर यहां लगाऊं और मान लो 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या मेरे पास में उसके बाद भी इतना पैसा है कि मैं आराम से उस दुकान को 2 साल तक चला सकूं? अगर है तो आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी। ये सोच करके, अपनी इमेजिनेशंस के बेस पे बड़े बड़े प्लान बना के आपने एक दुकान खोल दी, ये सोच करके कि अगले महीने से ही मैं 1,00,000 रुपए कमाने लग जाऊंगा, मर गए। आपने क्या किया, एक रियलिस्टिक प्लान बनाया, यहां पर प्लानिंग आ गई। प्लान क्या है, अब इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्लान है। मेरे हाथ में 5,00,000 रुपए है। अभी भी आप बजटिंग करते ही हो, हर चीज जो भी खरीदनी होती है उसकी बजटिंग करते हो, प्लान करते हो कि इतना पैसा यहां जाएगा, इतना यहां, इतना यहां, ऐसी इसमें प्लानिंग है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सिंपल सी प्लानिंग है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस तो समझ आता है जो मैंने बोला है, 1,00,000 रुपए, 1,00,000,000 रुपए, 1,00,000,000 रुपए,
ये बेस्ट केस सिनेरियो है, उसको छोड़ो। वो देखना इसलिए जरूरी है कि कहीं आप ऐसे किसी काम में जाकर के ना फंस जाओ जिसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है, इसलिए वो भी देखना जरूरी है कि वो काम कोई टेम्पररी काम है या परमानेंट काम है। ये दोनों ही काम परमानेंट है, मोबाइल रिपेयर वाला भी और टॉय शॉप वाला भी, दोनों काम परमानेंट है। तो आपने पॉसिबिलिटीज को देखा, फिर रियलिटी के ऊपर काम करते चले गए, इसको आपने पक्का कर दिया हर तरफ से, अपने प्लान को स्ट्रांग कर दिया। बेस्ट केस सिनेरियो यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरी दुकान चल पड़ेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? 3 साल के अंदर अंदर दुकान चल पड़ेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं अगर अपना काम अच्छे से करता रहा तो तीन साल तक कितना पैसा चाहिएगा सर्वाइव करने के लिए? क्या वो मेरे पास में है? हाँ है, हो गया काम। अगर इस तरह से आप चले तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सोचो, ये जो मैं बोल रहा हूं ये रियलिटी में हो जाए, और होना ही है, जितना कन्विक्शन के साथ मैं बोल रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। कोई मरा हुआ आदमी होगा जिसके अंदर मेरी बातें नहीं जा रही होंगी, जिंदा आदमी होगा तो उसके तो दिल चीर करके अंदर तक जाएंगी ये बातें। जा रही हैं? यस और नो? हाँ। अब जब ये अंदर गई तो एक बीच चला गया ना अंदर, आज नहीं तो कल इसने पेड़ बनना है। आपने सक्सेसफुल होना ही होना है। मेरे साथ साथ में बोलना कि अगर इस रास्ते पर चल करके मैं सक्सेसफुल हो गया तो उस सक्सेस को, उस पैसे को अपने तक नहीं रखूंगा, उसको शेयर करूंगा, पूरे दिल से शेयर करूंगा ऐसे लोगों के साथ जिनको उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस।